नमस्कार, आप देख रहे हैं वो फैम्पी न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ दिव्यानी शर्मा। सोमवार सुबह 11:30 बजे करीब खजूरी के नई आबादी की घाटी पर स्कूली बच्चों से भरा लोडिंग टेम्पो पलटी खा गया, जिसमें करीब 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए। 9 बच्चों को गंभीर हालत में उपचार के लिए मनासा शासकीय अस्पताल लाया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जो है खजूरी के समीप आकली सोजावज गाँव से लोडिंग टेम्पो में जो है शासकीय हाई स्कूल खजूरी में जो है परीक्षा देने आए थे। वहीं सुबह 11 बजे परीक्षा खत्म होने के बाद बच्चों से भरा लोडिंग टेम्पो जो है स्कूल से निकला और घाटी पर असंतुलित होकर पलटी खा गया, जिसमें जो है सभी स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को मौके पर मौजूद लोग खजूरी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार कर सभी गंभीर घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जो है मनासा शासकीय अस्पताल लाया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भायल और अस्पताल स्टाफ बच्चों के उपचार में जुट गया है, जिसमें 9 बच्चों को हाथ पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं एक बालिका का पांव फ्रैक्चर हो गया है। वहीं सभी घायल स्कूली बच्चों का मनासा शासकीय अस्पताल में उपचार कर भर्ती कर लिया गया है। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की यह रिपोर्ट।